सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं मिस्टर एस के चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के एक बहुत ही बेहतरीन मेथड। जैसे कि आप अपने व्हाट्सएप में बहुत सारे इमेजेस वीडियोस आ जाती हैं ग्रुप्स में, तो उसके लिए आपकी जो मेमोरीज है वो जल्दी फुल हो जाती है और इसको आप जो आपकी मोबाइल हैंगिंग या आपका जो व्हाट्सएप है वो हैंगिंग करना शुरू कर देता है और आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट वीडियोस जो वगैरह जो फाल्टूज अननेसेसरीज फाइल्स आ जाती हैं, तो उसको आप कैसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नेम है क्लीनर फॉर व्हाट्सअप। ये आप जैसे ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ आपके पास ऐसे शो होगा। पहले आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस मांगेगा, उसे आप अलाउ पे टिक कर देना है और इसमें आपको बहुत सारे कैटेगरीज या कहने के जो के फोल्डर हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियोस हो गया, इमेज, डेटाबेस एंड स्टिकर्स, आइडियोज, वॉइस, डॉक्यूमेंट्स, गिफ्ट्स, वॉलपेपर। तो जैसे कि मेरे पास तो अभी बहुत सारे ग्रुप्स नहीं हैं इसलिए फाइल जो वीडियोस की वो फाइल 5 बन चुकी है। अगर आपके पास बहुत सारे वीडियोस हो ग्रुप्स हों या बहुत सारे जो वीडियोस शेयर वगैरह होते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियोस को देखने डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसीव्ड, सेंड एंड डुप्लीकेट। अगर आपके पास डुप्लीकेट आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट में आ जाना है और यहाँ पे मेरे पास अभी नहीं है इसलिए कि ग्रुप नहीं है मेरे पास, डुप्लीकेट वीडियोस नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो उसमें आप वीडियोस डुप्लीकेट आ जाती हैं तो यहाँ से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही आप इमेज को भी डिलीट कर सकते हैं, आपकी ये रिसीव्ड है, ये सेंड है और ये आपके डुप्लीकेट है। तो ऐसे ही आप जो भी अपना यहाँ से डिलीट करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये सेंड भी अभी तो नहीं, जैसे रिसीव वाले कुछ फ़ोटोज़ डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। ऐसे आप बहुत सारे जो वीडियोस हैं या जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके काम के नहीं हैं वो आसानी से यहाँ से जाके डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।